हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अखिलेश अवस्थी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टर्म के बारे में जिसका नाम है फंड ऑफ फंड्स। क्या नाम है? फंड ऑफ फंड्स। तो आज इसके बारे में हम बात करने क्यों जा रहे हैं, आखिर ये शब्द चर्चा में क्यों आया। दोस्तों देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। कॉन्टेक्स्ट दोस्तों ये है, कल की बात है, कल देश की वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस निर्मला सीतारमन जी ने एक पैकेज अनाउंस किया एमएसएमई के लिए, जो किसका हिस्सा है, जो इसके पहले एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, कोविड-19 से राहत दी है, रिलीफ के लिए। तो उसी के अंतर्गत कल पार्ट वन में एमएसएमई को कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। उस बेनिफिट्स में एक बेनिफिट क्या था कि ₹50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमई। एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, इनको दिया जाएगा 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू फंड ऑफ फंड्स। मतलब फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से इनको 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये बात यहाँ पर कही गई। तो दोस्तों फंड ऑफ फंड आखिर क्या होता है, हम इसके बारे में जानते हैं, तब ये न्यूज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों फंड ऑफ फंड के बारे में समझते हैं। देखिए क्या होता है फंड ऑफ फंड्स। देखिए फंड ऑफ फंड एक प्रकार की म्यूचुअल फंड स्कीम है। कैसी है? म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां पर इन्वेस्ट करते हैं इन अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। ठीक है, समझिएगा दोस्तों। देखिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा किसका, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। देखिए यहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए मैं एक बॉक्स बनाता हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान लीजिए ये 8 लोग हैं। इन 8 लोगों के पास पैसा तो है लेकिन इनके पास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है। अब ये क्या कर सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो क्या है, इन्होंने अपना पैसा इकट्ठा किया, एक पूल क्रिएट हो गया। इस पूल को, मतलब सारा पैसा यहाँ पर आ गया, इस पूल को एक कंपनी जो है वो मैनेज करेगी और वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इनका पैसा इन्वेस्ट करेगी, जैसे डेट में। डेट स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जहाँ पर रिटर्न की गारंटी होती है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा दिया जाए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया जाए। देन इक्विटी, इक्विटी जहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं होती है, जैसे कंपनी के शेयर्स वगैरह में। और कई बार क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर भी होता है, डेट और इक्विटी, ठीक है, जिससे हम मिक्स्ड फंड भी बोलते हैं। तो इनके मिक्सचर में भी लगा दिया। मतलब बात यह है कि इनके पास पैसा था, इसके पास नॉलेज थी, तो इसने पैसा इकट्ठा किया और अपनी नॉलेज से यहाँ पर क्या किया, इन्वेस्ट किया, जो कमाया अपनी फीस काट करके रिटर्न के रूप में इनको वापस कर दिया। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है किसका, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट होता है। अब बात समझिएगा, देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा कि आपका पैसा जो है वो डायरेक्ट जो है मार्केट में इन्वेस्ट किया गया डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या करता है, हमेशा रिस्क को रिड्यूस कर देता है, रिस्क को रिड्यूस कर देता है, ये बात याद रखिएगा, रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, कैसे रिड्यूस कर देता है, आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और आप शर्ट और पैंट मिला करके अगर मैं बात करूं, आपके पास 4 पॉकेट्स हैं। अब उन 4 पॉकेट्स में आपने 200 रुपये हैं आपके पास, आपने 50-50 रुपये चारों जगह पर रख लिए, ठीक है, 50 एक पॉकेट में, 50 अगेन, ऐसे ही करके आपने चारों पॉकेट में क्या कर लिया, 200 रुपये एडजस्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, अगर एक जेब आपकी कट जाती है तो 3 जेब तो आपके पास बच गई, मतलब 150 रुपये आपके बच गए, 50 रुपये तो आपके क्योंकि जेब कट गई तो चले गए, आपका लॉस हो गया। क्यों? अब अगेन 150 रुपये आप बचा पाए, क्यों? क्योंकि आपने डाइवर्सिफाई कर दिया था, बहुत अच्छे से समझिएगा, डाइवर्सिफाई कर दिया था आपने 3 जगहों पर। अगर ये 200 रुपये आपने एक ही पॉकेट में रखे होते तो क्या होता दोस्तों, ये पूरे पैसे चले जाते। सेम एज यहां पर होता है, एक जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करके हमने एक जगह इन्वेस्टमेंट किया लेकिन हमारा पैसा कई जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो दैट्स वाई यहां पर क्या होता है, बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगेन याद रखिएगा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क भी होता है यहां पर। अब दोस्तों आगे एक बात समझिएगा, अब फंड ऑफ फंड्स की बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा क्या होता है फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, फंड ऑफ फंड के बारे में समझते हैं दोस्तों। देखिए जब फंड ऑफ फंड की बात करते हैं तो समझिएगा, एक तो क्या हो गया, इन्वेस्टर हो गया, इन्वेस्टर की बात करें तो हम और आप लोग हो गए। अब यहां पर क्या किया जाता है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे किसमें, फंड ऑफ फंड्स में। किसमें? फंड ऑफ फंड्स। ये एक तरीके की म्यूचुअल फंड स्कीम है, याद रखिएगा, यहां पर इन्वेस्ट करेंगे और फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट करेगा फर्दर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। मतलब
फर्दर जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स बनाई गई हैं वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा आपका पैसा, ये बात याद रखिएगा। मतलब जो बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम हैं उनमें इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर ये जो स्कीम्स हैं ये किस में डील कर रही थी, ये वही जो मैंने बताया ना, अलग अलग जगहों पर लाइक एज डेट है, इक्विटी है, मिक्स्ड है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही थी, डेट, इक्विटी और मिक्स्ड। तो फंड ऑफ फंड्स ने क्या किया, फंड ऑफ फंड्स ने आपके पैसे को जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स चल रही है वहां पर इन्वेस्ट किया, ना कि डायरेक्ट। वैसे नॉर्मली म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो बनाई जाती हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके बनाई जाती हैं। एक ऑप्शन ये भी हो सकता था, इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्टली भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फंड ऑफ फंड्स में क्या किया जाता है, आपके पैसे को अगली म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कंपनियों ने बनाई है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो आपका जो पैसा है वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गया। सोचिए, एक तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, ठीक है, अब हमने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया वो स्कीम भी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, अगली स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये यहाँ पर फंड ऑफ फंड्स का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। बहुत अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके, या एक ऑप्शन ये होता है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन कि हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जो फंड ऑफ फंड्स होता है वो डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट ना करके, ये यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो क्या करता है, उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है जो फर्दर आगे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो ये होता है दोस्तों फंड ऑफ फंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप समझ लेते हैं यहां पर। तो इन दिस द फंड मैनेजर होल्ड्स अ पोर्टफोलियो। यहां पर क्या होता है, जो फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे को फर्दर आगे स्कीम्स में लगा रहे हैं उनको हम बोलते हैं फंड मैनेजर। तो वो क्या करते हैं, एक पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं जो कि अदर म्यूचुअल फंड कंपनीज का होता है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज और बॉन्ड्स। मतलब शेयर्स या बॉन्ड्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के बजाय, जो यहां पर मैंने आपको है ना कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो फर्दर स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, समझिएगा बात को। देन अ गिवन एफओएफ फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट इन अ स्कीम ऑफ द सेम फंड, ठीक है, हाउस और अनदर फंड हाउस। मतलब जैसे हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, तो वो फर्दर आगे किसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो द पोर्टफोलियो इज डिजाइन टू सूट इन्वेस्टर्स अक्रॉस रिस्क प्रोफाइल्स एंड फाइनेंशियल गोल्स। मतलब ये डिजाइन किया जाता है इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए कि कितना रिस्क वो अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा पोर्टफोलियो मैनेज होगा उतना ही रिस्क हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और दैट्स वाई जब हम रिस्क को रिड्यूस करते हैं तो इसको फाइनेंशियल टर्म में हम हेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेज बोलते हैं। तो इनको हेज फंड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से, हेज फंड। द इन्वेस्टर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिफिकेशन। आप सोचिए कितना डाइवर्सिफिकेशन हुआ, हमने किसी स्कीम में पैसा लगाया, वो स्कीम फर्दर किसी स्कीम में पैसा लगा रही है, देन वो पैसा इक्विटी में और डेट में पहुंच रहा है, तो डाइवर्सिफाई और ज्यादा हो गया, जिससे यहां पर बेनिफिट जो है कस्टमर का बढ़ जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो वापस न्यूज पे आते हैं, न्यूज में पर्टिकुलर क्या लिखा है, न्यूज दोस्तों ये है कि यहां पर एमएसएमई को 50,000 रुपीज का सपोर्ट दिया जाएगा, जिसके लिए एक फंड ऑफ फंड क्रिएट किया जाएगा। कितने रुपए का, 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। विल प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग, जो कि क्या करेगा, इक्विटी फंडिंग। इक्विटी का मतलब है यहां पर हम शेयर्स की बात करें, इक्विटी फंडिंग प्रोवाइड करेगा एमएसएमई को विद ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी। फंड ऑफ फंड विल बी ऑपरेटेड, इसको ऑपरेट किया जाएगा थ्रू अ मदर फंड एंड अ फ्यू डॉटर फंड। मतलब कुछ मदर फंड और कुछ डॉटर फंड्स के बिहाफ पर इसको ऑपरेट किया जाएगा। और जो इस स्ट्रक्चर से टोटल कलेक्शन आएगा ना, यहाँ पर 50,000 करोड़ का क्या होगा, लिवरेज होगा पूरा का पूरा। जो इन्वेस्टमेंट की बात कही है वो कितना है, 50,000 करोड़, जिससे एमएसएमई को ये पैसा दिया जाएगा और एमएसएमई को इससे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। और एमएसएमई को इनकरेज भी किया जाएगा कि वो भी क्या आ सकें, स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हो सकें, स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो सकें, लिस्ट हो सकें। तो आई होप आपको दोस्तों फंड ऑफ फंड्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से।
तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं फंड ऑफ फंड्स के, स्कीम्स के, आप देख लीजिएगा, ठीक है। moneycontrol.com सोर्स है इसका, वहाँ से मैंने लिया है, लाइक एस डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड, कोटेक गोल्ड फंड, एक्सिस गोल्ड फंड, एसबीआई गोल्ड फंड, एचडीएफसी, ये सम ऑफ द एग्जांपल्स हैं किसके, फंड ऑफ फंड्स के, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत रही हो तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।